ओम शांति। आपका प्रश्न है, संसार में कौन सा शास्त्र संपूर्ण सत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसी भी चीज को सत्य समझने के लिए हमें पहले सत्य की परिभाषा जरूर जाननी होगी। सत्य की परिभाषा है, नंबर एक, जो शाश्वत है, जो सनातन है। इसे और सरल भाषा में समझेंगे, जो हमेशा थी, है और रहेगी, था, है और रहेगा, कुछ भी वो सत्य है। और अच्छी तरह समझने के लिए, जो अनादि और अनंत है, जिसका आरंभ नहीं, जिसका अंत नहीं, सत्य को अच्छी तरह समझने के लिए झूठ को भी समझना जरूरी है। जिसका आरंभ है तो उसका अंत भी जरूर है, जिसका आरंभ और अंत है वो झूठ है। अब क्या है जिसे हम सत्य कह सके? पहला सत्य है समय। कभी ऐसे नहीं था कि समय नहीं था और समय आरंभ हुआ हो। चाहे 1,00,000 साल पहले, 1,00,00,000 साल पहले, 1,00,00,000 साल पहले, 1,00,00,000 साल पहले, खरब 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 साल पहले, समय तब भी था, है और रहेगा। समय का अंत नहीं बता सकते कि 1,00,00,000 साल के बाद समय नहीं रहेगा, खरब 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 साल के बाद समय नहीं रहेगा। समय हमेशा था, है और रहेगा। दूसरा सत्य है प्रकृति। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संसार 5 तत्वों से बना है, जिसे भगवान कहते हैं, भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नीर। और ये 5 तत्व हमेशा थे, हैं और रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। कभी ऐसे नहीं कि पानी नहीं था और परमात्मा ने पानी बना दिया, वायु नहीं थी तो वायु बना दी, अग्नि नहीं थी तो अग्नि को बना दिया, नीर, कोई भी चीज नहीं थी और उसे बना दिया, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं से कभी भी कुछ नहीं बन सकता। विज्ञान भी मानता है कि संसार 115 या 18 तत्वों से मिलकर के बना है, जिनमें से कुछ तत्व अभी नहीं मिले हैं, उनको ब्लैंक रखा गया है और उसके स्थान पर उनका कोड रखा गया है कि ये होंगे। साइंस भी मानता है कि हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देवर, दे आर, दे विल बी, थे, हैं और रहेंगे। केवल उनका रूप परिवर्तन हो सकता है, वो नष्ट नहीं हो सकते और हम क्रिएट नहीं कर सकते। पानी है, हमने उसको क्रिएट कर दिया, नहीं हो सकता। पानी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं हो सकता। पानी को जला दो, भाप बन के कहीं और चला जाएगा, जा ठंडक मिलेगी, फिर पानी बन जाएगा।
हर एक तत्व का इसलिए चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, ऑक्सीजन का चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है। दूसरा सत्य है प्रकृति, चाहे वो साइंस की दृष्टि से देखा जाए चाहे अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, वो थे हैं और रहेंगे। तीसरा सत्य है आत्मा, जो हमेशा थी है और रहेगी। परम आत्मा भी एक आत्मा है, वो कोई अलग से तत्व नहीं है, वो कोई अलग से चीज नहीं है। आत्मा ही और परमात्मा एक जैसे हैं। अब हम इनके झूठ पक्ष को जरूर समझ लें तो हम इस सत्य को समझ सकेंगे। समय सत्य है, परंतु समय की एक इकाई, चाहे वो एक सेकंड है, एक मिनट है, एक घंटा है, एक सप्ताह है, एक महीना है, 10 महीने हैं, 6 महीने हैं, 2 साल हैं, 5 साल हैं, 10 साल हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और इसका ये आरंभ भी होता है और इसका अंत भी होता है। ये हमेशा थे हैं और रहेंगे। नहीं रहेंगे। एक सेकेंड शुरू हुआ, खत्म हो गया। मिनट शुरू हुआ, खत्म हो गया। घंटा शुरू हुआ, खत्म हो गया। साल शुरू हुआ, खत्म हो गया। 10 साल शुरू हुए, खत्म हो गया। पीरियड कितना भी लंबा है, एक युग शुरू हुआ, युग खत्म हो गया। कल्प शुरू हुआ, कल्प खत्म हो गया। इसलिए इसको झूठ कहा जाता है, जिसके कारण कहना हुआ कि जग एक सपना है, यहां ना कोई अपना है। जैसे सपना देखकर उठते कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से ये संसार एक सपना है, जो था है नहीं। अब सपने की तरह उठो तो कुछ भी नहीं होता। प्रकृति के तत्वों को देखेंगे कि जो एलिमेंट है वो अपने आप में सत्य है, भगवान सत्य है, पांचों तत्व सत्य हैं, वो हमेशा थे हैं और रहेंगे। परंतु पांचों तत्वों से बना हुआ ये शरीर बना और ये नष्ट हो जाएगा, ये झूठ है। इसलिए इसे कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। और आत्मा सत्य है, और तीनों सत्य हैं। तीनों ने किसी एक दूसरे को नहीं बनाया। यदि कोई भी परमात्मा यदि समय को बनाए तो समय का आरंभ हो गया, समय का अंत हो गया। परमात्मा यदि प्रकृति को बनाए तो प्रकृति का आरंभ हो गया और प्रकृति का अंत हो गया। ये तीन सत्य हैं। इन तीन सत्यों से बना है यह संसार। ये संसार भी सत्य है, हमेशा था है और रहेगा। और विस्तार से देखना हो तो आप देख सकते हैं मुर्गी पहले कि अंडा पहले, सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, इसके वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। और उन वीडियो को देखने के लिए मैं उनका लिंक इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जिससे आप जो है आप और विस्तार से इसको समझ सकेंगे। पहला बात कि हमें सत्य को समझना है कि सत्य क्या है। दूसरी बात शास्त्र, शास्त्र किसी भी देहधारी मनुष्य के द्वारा लिखे गए लेख को, चाहे वो छोटा है तो चाहे वो बड़ा है, वो शास्त्र की कैटेगरी में आ जाता है। चाहे वो गद्य में लिखा गया है तो चाहे वो पद्य में लिखा गया है, किसी की भी अभिव्यक्ति को हम शास्त्र कह सकते हैं। अब शास्त्रों में उसे कहानी कहो, उसे क्या बोलते हैं कविता कहो, उसे महाकाव्य कहो, उसे जो शब्द दो वो अलग बात है, परंतु वो शास्त्र ही होगा जिसके द्वारा कोई संदेश कोई अभिव्यक्ति होती है। अब ये शास्त्र लिखे जाने हैं किसी ना किसी देहधारी मनुष्य के ही द्वारा। जिसका देह नहीं है वो शास्त्र नहीं लिख सकता,
और जो देहधारी है झूठी काया और झूठी माया और झूठे संसार को भोग रहा है वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। मैक्सिमम सत्य वो बता सकता है कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कौन कितना सत्य के रास्ते पर चलता है। इसीलिए संसार के किसी भी शास्त्र का रचयिता संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। अपनी समझ के मुताबिक उसने सत्य को सामने रखने का प्रयास किया। हर एक का सत्य अपने अपने दृष्टिकोण से अपना अपना है, अलग अलग है। संपूर्ण सत्य तो सिर्फ और सिर्फ एक परम आत्मा को कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ। किसी भी देहधारी को सत्य नहीं कहा जाता। केवल परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा को किसी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। परमात्मा को किसी शास्त्र के अनुसार बताने की जरूरत नहीं। परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को सत्य ज्ञान देता है, उनके जीवन से तमसो मां ज्योतिर्गमे करता है, वो और कोई नहीं कर सकता। बाकी करेंगे हद में, जितनी उनके पास सत्यता है वो उतना सत्य मार्ग बता सकते हैं। मैं भी आपको उतना ही बता सकूंगा सत्य जितना मुझे मालूम है, परंतु संपूर्ण सत्य तो सिवाय परमात्मा के संसार में और कोई नहीं बता सकता। ही इज द ओनली ट्रूथ। इसलिए संसार का कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। आपका अगला प्रश्न के लिए अगला वीडियो बना दिया है कि ब्रह्मा कुमारीज वाले भी शास्त्रों का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस विषय में यदि आपको कोई भी प्रश्न उठता हो तो 9213106986 पर आप और स्पष्टीकरण के लिए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। स्वागत है सेवा का अवसर देने के लिए।